पहले संभोग के समय पुरुष की शीर या नस टूटना जरूरी है क्या, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। पहला संभोग जब होता है तब कुछ पुरुष को खून आता है और खून आके तकलीफ हो सकती है, जख्म भी होती है, तो वो कैसा होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो बारे में बातचीत अभी मैं करने वाला हूँ। क्या है कि जो लिंग है उसका सामने का जो भाग है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, शिश्न मुंड, और उसके ऊपर जो स्किन रहती है, चमड़ी रहती है, उसको बोलते हैं प्रीप्यूस, ऐसा कवर करता है उसको। और वो जो स्किन है यदि आप पीछे करते हैं तो वहाँ वो नीचे के बाजू से वो चिपकी रहती है, उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम, शिश्न बंध। तो जब आप पीछे करते हो तो वहाँ वो चिपकी रहती है नीचे से ग्लांस को। अब क्या होता है कि यदि पहले संभोग में यदि बहुत जोर से यदि वो चमड़ी पीछे कर लिया, जोर से कर लिया, तो नेचुरली उसको जख्म होने वाली है, क्योंकि कभी पहले किया नहीं है और पहली बार ही कर रहे जोर से, तो जख्म हो जाएगी। जख्म होती है तो खून आएगा, थोड़ा सा खून आता है तो आ गया तो ठीक है, उसको क्या करना है, आपने धो डालने का है एंटीसेप्टिक साबुन से या लोशन से, और उसको इन्फेक्शन न होने के लिए एंटीबायोटिक लगाने का है। फिर बाद में दो चार दिन काम नहीं करना, सेक्स नहीं करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ यह प्रिवेंट करना है, तो शादी के पहले सभी लड़कों ने हर रोज एक पर्सनल हाइजीन के तौर पे चमड़ी पीछे करना बहुत जरूरी है, और नीचे जो स्मेग्मा जमा रहता है वो भी धोना, साफ करना जरूरी है। वो यदि करते हैं तो फिर शीर टूटने का कार्यक्रम होगा ही नहीं। उसी समय मालूम पड़ेगा कि पूरी चमड़ी पीछे नहीं हो रही है, और पूरी चमड़ी यदि पीछे होती नहीं है तो सर्कमसीजन करना जरूरी है, वो चमड़ी निकालना जरूरी है, जिसको सुनता खतना ऐसा बोलते हैं या सर्कमसीजन बोलते हैं। तो इस समय आप यदि ये देखते हैं कि भाई पहले कभी किया नहीं, हस्तमैथुन भी कभी किया नहीं, फर्स्ट नाइट सुहाग रात है, चमड़ी बहुत ज़्यादा है, चिपकी हुई है, तो जोर से करने का नहीं है। दूसरा, अभी कुछ लोगों को ये वहम है कि इसका लड़के का खून नहीं आया या लड़के को तकलीफ नहीं है, इसका मतलब इसको एक्सपीरियंस है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि तकलीफ नहीं है इसका मतलब कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हस्तमैथुन यदि पहले करता रहेगा तो वो शीर जो है वो पहले टूटी रहेंगे, क्योंकि हस्तमैथुन से वो पीछे करता ही है और वो टूट जाएगी और तकलीफ होंगी नहीं पहले रात को। तो जैसा स्त्री का है वैसा पुरुष का है कि खून आना कोई जरूरी नहीं है, जख्म होना कोई जरूरी नहीं है, खून नहीं आया इसका मतलब पहले का एक्सपीरियंस है ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस नहीं है तभी भी वो जो नस है वो टूटी हुई रह सकती है, क्योंकि हस्तमैथुन में टूटी है। तो ऐसा कुछ हो गया तो फिर दो चार दिन सेक्स मत करो, क्योंकि तकलीफ हो जाएंगी, और उसको क्रीम लगाओ, एंटीबायोटिक क्रीम लगाओ, खुद को अच्छा करो। यदि बहुत ज़्यादा चमड़ी है पीछे नहीं हो रही है तो सुनता कर लो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।